हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन 54, जहां पर हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट का एक्टिव और पास्ट परफेक्ट का पैसिव क्या होता है। बात अगर एक्टिव सेंटेंस की जाए तो इसका एक्टिव हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जहां पर इसकी पहचान क्या होती थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, ई थी, ए थी, जहां पर ये आ, ई, ए की मात्रा वर्ब के साथ में जुड़कर आती थी। और अगर फ्रेंड्स बात स्ट्रक्चर की जाए तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चाहे जो मिल रहा हो सबके साथ क्या रखना होगा, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट ऐड कीजिए, हमारा स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया। और बात करते हैं क्या पैसिव सेंटेंस की, तो इसकी दो पहचान यहाँ पर मैंने लिखी है। एक तो क्या लिखी है, जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, और दूसरी पहचान मैंने यहाँ पर क्या लिखी है, गया था, गई थी, गए थे, जहाँ पर ये जा चुका था या फिर गया था वर्ब के बाद में अलग से लिखकर आएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि उसके द्वारा मेरा अपमान किया गया था, पापा के द्वारा भोजन बनाया जा चुका था, तो बनाया जा चुका था, अपमान किया गया था, दोनों ही कंडीशन में हमारे वर्ब के बाद जा चुका था या फिर गया था लिख के आएगा। और स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या रखना होगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट चाहे जो भी हो, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी, हैड बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हमें क्या रखना होगा, बाय और सब्जेक्ट। और सेंटेंस का ये पार्ट ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, इसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना। यानी अगर नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो आप हैड नॉट बीन लिख दीजिए, और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो आप हैड को पहले लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एग्जाम्पल आपको बताने जा रहा हूँ। अगर मैंने आपसे कहा कि उसने आपको गाली दी थी, तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या हो गया, एक्टिव का हो गया। अब अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव का है तो इसको एक्टिव से बना लीजिए, तो गाली किसने दी थी, उसने, तो यहाँ पर मुझे क्या रखना होगा, ही, और फिर क्या आ जाएगा, हैड। वर्ब की हमें कौन सी फॉर्म रखनी है, थर्ड फॉर्म, तो क्या रखना पड़ेगा, अब्यूज्ड, और गाली उसने किसको दी, आपको, तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही हैड अब्यूज्ड यू, उसने आपको गाली दी थी। और अगर फ्रेंड्स इसी सेंटेंस को मैं पैसिव करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि उसके द्वारा आपको गाली दी गई थी, तो हमारा सेंटेंस कहाँ का हो गया, पैसिव का हो गया। अब अगर ये सेंटेंस हमारा पैसिव का है तो इसको पैसिव से बना लीजिए, हमारी जो वर्ब थी वो क्या थी, गाली देना, गाली किसको दी गई थी, आपको, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कौन हो गया, आप हो गए, तो हमें सबसे पहले क्या रखना होगा, यू। अब फिर से यहाँ पर हमें क्या रखना होगा, हैड, फिर क्या रखेंगे हम यहाँ पर, बीन, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है, थर्ड फॉर्म, जो कि अभी क्या है, अब्यूज्ड। लास्ट में हमें क्या रखना होगा, यहाँ पर बाय, और बाय के बाद क्या आ जाएगा, हिम। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि यू हैड बीन अब्यूज्ड बाय हिम, उसके द्वारा आपको गाली दी गई थी। और फ्रेंड्स अगर मैं इस हैड को पहले लिख दूं और मैं आपसे कहूं कि हैड ही अब्यूज्ड यू, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, क्या उसने आपको गाली दी थी। ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। अब अगर इसे मैं पैसिव करूंगा तो वो भी तो हमारा इंट्रोगेटिव ही होगा, और क्या बनेगा कि क्या उसके द्वारा आपको गाली दी गई थी। तो क्या करना होगा, मैं इस हैड को पहले लिख देना होगा कि हैड यू बीन अब्यूज्ड बाय हिम। और फ्रेंड्स अगर इस हैड के पहले मैं वाई को भी जोड़ दूं और मैं आपसे कहूं कि वाई हैड ही अब्यूज्ड यू, तो उसने आपको गाली क्यों दी थी। और इस सेंटेंस को अगर मुझे पैसिव करना होगा तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि उसके द्वारा आपको गाली क्यों दी गई थी। बस कुछ नहीं करना है आपको, फिर से यहाँ पर क्या करेंगे आप, डब्ल्यू एच वर्ड वाई को ऐड कीजिए, बस बन गया हमारा सेंटेंस, वाई हैड यू बीन अब्यूज्ड बाय हिम, उसके द्वारा आपको गाली क्यों दी गई थी। तो आपने देखा कि अगर हमारा एक्टिव सिंपल है तो पैसिव भी सिंपल होगा, और अगर हमारा पैसिव इंट्रोगेटिव हो जाए तो उसका एक्टिव भी हमारा इंट्रोगेटिव ही होगा। अब फ्रेंड्स इसमें कुछ प्रैक्टिस और करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि सी हैड प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुकी थी, एंड फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय हर, उसके द्वारा फुटबॉल खेली जा चुकी थी। मम्मी हैड संग अ सॉन्ग, मम्मी गाना गा चुकी थी, अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय मम्मी, मम्मी के द्वारा गाना गाया जा चुका था। माय मोबाइल हैड बीन स्टोलन बाय यू, मेरा मोबाइल आपके द्वारा चुराया गया था, एंड यू हैड स्टोलन माय मोबाइल, आपने मेरा मोबाइल चुराया था। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।